दरवाजे पर घटना घटी है उसका पहले मेरा यह अंदाजा था कि शायद वहाँ का जो रिटेनिंग वॉल है वो कलेप्स कर गया क्योंकि हर पर लैंडस्लाइड होती है। नॉर्मली केसेस में लैंडस्लाइड में रिटेनिंग वॉल टूटती है और फिर मलबा नीचे आता है, जैसे हैंगिंग गार्डन में हुआ थोड़ा रिटेनिंग वॉल टूटी और मलबा नीचे आया, तो यहाँ पे देखने के बाद मालूम चला कि रिटेनिंग वॉल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, परंतु बारिश इतनी ज़्यादा थी जो वर्षा हुई है 3 घंटों में 280 मिलीमीटर, उसके कारण ऊपर का जो मलबा था वो रिटेनिंग वॉल के ऊपर से अंदर आ गया और वो मलबा अंदर आने से 20 लोग अब तक हम बाहर निकाल चुके हैं। मलबा जो जो घरों को ढक लिया उसने, उसमें से 2 लोगों का हमने ट्रीटमेंट करके डिस्चार्ज कर दिया है, वो भगवान की कृपा से बच गए हैं। बाकी 18 जो लोग हैं उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है। इसके अलावा 4 लोग और हैं, एक माता पिता हैं, उनके 2 बच्चे हैं, उनके भी तलाश चालू है। ये तो पहला भाग हमारा है रेस्क्यू ऑपरेशन का। इसके अलावा जो वहाँ 4 फुट तक मलबा पड़ा हुआ है उसको अगर हमने वहाँ से क्लियर नहीं किया रात तक, रात को फिर इतना बारिश आ गया तो मलबा नीचे आके बाकी घरों को तंग करेगा, तो इसलिए हम शाम तक सारा मलबा क्लियर करेंगे। तीसरा, हमारे जो यहाँ पे माननीय खासदार महोदय हैं, माननीय नगर सेविका महोदय हैं, इनकी मदद लेके हम लोगों को जो एकदम दीवार को चिपक के जो 20-25 फैमिलीज हैं उनको हम थोड़ा सख्ती से उनको शिफ्ट करेंगे ताकि उनको जान को खतरा ना हो। उसके अलावा जो बाकी वहाँ 200 के आसपास लोग हैं उनको हम अपील करेंगे 4 से 5 पर अनाउंसमेंट करके कि आप हमारे पीएपी टेंजमेंट में शिफ्ट होइए, नहीं तो वापस आपको ये खतरा हो सकता है। तो इस तरह से मैं मेरा खुलासा है। नॉर्म्स क्या हैं, अगर 24 घंटे में 65 मिलीमीटर बारिश पड़ती है तो हम उसको बोलते हैं अतिवृष्टि हो गई। यहाँ 24 घंटे में 65 मिलीमीटर के बजाय 1 घंटे में 80 मिलीमीटर हो रही है बारिश, तो आप अंदाजा लगा लो इसके बारे में पिछले 25 साल में ऐसा कोई बारिश नहीं हुई जो यहाँ पे आज हुई है। तो बाकी आप समझ लीजिए कि इसका मेरा क्या कहना है। ठीक, थैंक यू।